We are starting question number 7, exercise 5.5, class 12, differentiate with respect to x और दो function हमारे पास है, यहां से यहां तक, ये पहला function है और ये दूसरा है, क्या करेंगे सर, आप समझ गए होंगे मेरी planning, मेरा जो strategy है इसमें, कि मैं इसमें दोनों को अलग-अलग करके लिखूंगा, let, आप यहां पे लिखिए सर, b लिख लीजिए, y लिख लीजिए, y तो लिखा नहीं है ना कहीं, ठीक है, y करके कर लीजिए, y equal to log x raised to x, ये आपके पास है, ठीक है, अब taking log both side, same यहाँ पे लिखा taking log both side, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये log y आ जाएगा equal to आपके पास आ जाएगा सर log और फिर आ जाएगा log x raised to x, ब्रदर यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, अब ये जो इस तरह से ही ऐसे और log की property क्या होती है, log की property ये होती है कि log में जो power होती है वो आगे आ जाती है, तो आपकी जो ये power है बिल्कुल आगे आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x, इस तरह से आ जाएगा x log x, log log x, इस तरह से आपका ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, अब हम इसे किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट रूल यहां से यहां तक चलेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू मैं x यहां पे कर रहा हूं 1 / y dy / dx, फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक बार तो यही आ जाएगा 1 / log x और फिर दोबारा से log x का आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1 / x प्लस, क्लियर, ये क्लियर है बात, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का जब आप करोगे ना तो log x, ब्रदर इसको log x की तरह मानो, जैसे आप अपने दिमाग में log x मानते हो, log x क्या होता है 1 / x होता है, तो ये पूरा का पूरा log x यानी ये पूरा यहां आ गया, लेकिन ये log x था नहीं, x नहीं था ना, आपने इसको केवल अज्यूम करा है, तो आप इसे दोबारा से डेरिवेटिव निकालोगे 1 / x आ जाएगा, ठीक है, अच्छा सेकंड फंक्शन आपके पास है log log x और x का डेरिवेटिव 1 आपके पास आ जाएगा, x यहां x कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास आ गया 1 / log x और यहां पर आ गया है log log x, ये आपके पास आ चुका है, ठीक है, y को आप उधर ले जाइए तो y आपके पास क्या हो जाएगा सर dy / dx equal to y उधर ले जाएंगे अपॉन में है तो ये इस तरह से आ जाएगा और यहां पर आपके पास जो सेम एज इट इज है पर आप उसे लिख सकते हैं दैट इज log log x, ये आपके पास यहां पर चल रहा है, ठीक है, y क्या है, y आपने माना था यहां वो लिख लीजिए log x raise x, ठीक है, ये आपके पास जो पहला वाला था वो काम हो चुका है, अब हम सेकंड जो है उसको यहां पर ले लेते हैं, तो आप थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, तो देखिए सर आपके पास है इसे लेट u कर लीजिए जो आपका मन करे वो लिखिए x raise to log x, taking log both side that is log u equal to log x raise to log x, और मैंने आपको बताया सर log की प्रॉपर्टी में जो ये पावर होती है यहां पर आगे आ जाएगी, तो आपके पास आ गया है log u equal to log x log x, ब्रदर log x यानी कि ये कितनी बार हो गया log x दो बार हो गया, चलिए क्यों ना हम सीधा ये लिख लेते हैं कि ये लिखा है सर log x का स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हैं आप, चलिए ठीक है, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि सर अगर आपसे मैं कभी कहूं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप मुझे तुरंत कहते हैं 2x होगा, कैसे 2 इधर आ जाता है पावर और 2 में से 1 माइनस हो जाती है यानी 1, इस तरह से 2x आता है, इसको आप यहां से लेकर यहां तक x स्क्वायर की तरह बिहेव करिए तभी आपको इसका डिफरेंट डेरिवेटिव सही फाउंड आउट होगा, तो देखिए आपने क्या करा 1 / u du / dx और यहां पर आपने इसको पहले जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो इसको x स्क्वायर की तरह सोचिए तो क्या आएगा सर 2 और log x आएगा और इसकी पावर 2 - 1 हो जाएगा, क्या है समझ में आ गया, अब देखिए अब आपके पास है आप इसे दोबारा से डेरिवेटिव में लेके आएंगे log x, क्लियर, तो आपके पास कितना आ गया सर ये आ गया है 2 log x और यहां पर आ गया है 1 / x, क्लियर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 / x log x मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा और आपके पास जो यहां पर 1 / u था ये आकर यहां पर हो जाएगा सर u और ये इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा, आपका u था क्या उसे आप दोबारा लिख लीजिए दैट इज x raise to log x, x की पावर log x है और यहां पर 2x log x है, अब सर आप इसको यहां से लेके यहां तक और इसको जो सर आपका यहां से लेके यहां तक आ रहा है भाइयों इसे एक साथ लिख लीजिए दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल, अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरा YouTube चैनल, थैंक यू।